इंस्पायरिंग कहानी है, इंस्पायरिंग बच्चा है, क्योंकि मेरी वाइफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, इनको देखा है, इनको मिला है, इनसे इंटरेक्ट भी किया है, और इनफैक्ट कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस के ऊपर मात कैसे करते हैं ये लोग और कैसे कुछ जो चाहिए वो अचीव कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। दक्ष यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, और अक्सर वैसे माना जाता है कि ये एक चीज़ के बियॉन्ड कुछ कर नहीं पाते, लेकिन यू नो दीज डेज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो वो अपने आप को प्रूव करने की एक उनमें शक्ति है, एक लगन है, एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज़ अज्यूम्ड ऑफ देम और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हाल ही में बीच में ओनिर ने एक फिल्म भी बनाई थी, मैं उसके लिए भी था, और वो फिल्म भी देख के ऐसा लगता है कि क्या नहीं कर सकते, यू नो ये दिमाग में उनके बाकी कुछ नहीं रहता, एक 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 उनका लक्ष्य रहता है और उसको फॉलो करते रहते हमेशा, एंड दे अचीव व्हाट दे डू। इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं ये कहूँगा पेरेंट्स का भी है कि वो जिस तरीके से उनका ग्रूमिंग करते, जिस तरीके से उनको बड़ा करते, जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देते, वो बहुत बड़ी बात है। पेशेंस जिस तरीके से उनके साथ रखते हैं और वो उन्हें जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हेल्प करते, सो आई थिंक पेरेंटिंग भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। बहुत सीखने वाली बात है हम सभी के लिए कि चाहे यू नो मुश्किलें जो भी हों, जो इकबाल की थीम थी मेरे फिल्म की, सो समवेयर कहीं ना कहीं मैं जब ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो ऑड्स को बीट करके अचीव करते तो बहुत अच्छा लगता है। आज उनके माँ बाप उनके लिए जो कर रहे हैं ये उसे बहुत खुशी देगा, उसे बहुत एनकरेज करेगा कि वो और कुछ नया अटेम्प्ट करे, नई चीज़ करने की कोशिश करे, खुद को सेल्फ रिलायंट करे, इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि मेरे ख्याल से हर माँ बाप की यही तमन्ना रहती है कि उनके बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट बन जाए। यू नो एक पॉइंट के बाद वो चाहते हैं कि जब वो ना रहे तो बच्चे अपने आप को संभाल सके, सो आई थिंक वो जो उनकी कोशिश है उसमें उनको कामयाबी मिले, एंड जिस तरीके से वो जा रहे, आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, बड़े बड़े लोग मिलने आए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे, आई थिंक दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर ही